मैं जन्नत हूँ, पर मैं मिर्ज़ा के नाम से अपना ब्लॉग लिखती हूँ, क्योंकि कश्मीर की सच्चाई की तरह मेरी हस्ती भी छुपी हुई है। मैं कश्मीर की वादियों या यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट के पोस्टर्स के बारे में नहीं लिखती हूँ। मैं कश्मीर का सच बयां करती हूँ, वो सच जो कर्फ्यू और सियासती पैंतरों में रोज़ दबाया जाता है। असली कश्मीर हम चार बहनों में हैं। महर की सादगी, डल के झील सी गहरी बानों की आवाज़, अमल के अंदाज और मेरी कलम की ललकार में। हकीकत जाननी है तो अखबार में नहीं, हमारी आंखों में झांक के देखें। हम कश्मीर हैं। मेरे अखरोट। शट अप अजी। मेरी पेन ड्राइव। मूव बैडास। दे। क्या? पेन ड्राइव। व्हाट्स गोइंग ऑन चे? अजी। हाँ? अजी। ये क्या? हुकूमत को गिराने का नया सीक्रेट फॉर्मूला। कम ऑन मिर्ज़ा। वेयर्स द लव? अल्लाह। तू चला गया। ये जगह तेरे पीजे से ज्यादा बोरिंग हो गई। I missed you more than I missed my newspaper in my morning shit. Feels. ये ले। कब वापस आए? बस अभी 2 घंटे हुए। And you already? It's called jet lag. London में ही रहना चाहिए था। Mirza, I missed you, man. You should have. 5 महीने नहीं हुए हैं, वापस आ गए। Hello. मैं ब्रेक पे आया हूँ। एंड यू नो व्हाट मिर्ज़ा, आई वाज ना मिर्ज़ा बिल विदाउट यू। फक ऑफ, आई हैव टू स्लीप नाउ। अच्छा, कल अकील और अर्शा के निकाह पर आ रही हो? ऑफ कोर्स, जैसे अम्मी मुझे मिस करने देंगी। आई लव टू। अल्लाह हाफिज। बाय। सुबह 5 बजे आ रही हो, सारी रात कहाँ थी? गजेट ऑफिस में ऑफिस आवर्स के बाद ही इंटरनेट इस्तेमाल करने देते हैं, तुम जानती हो। कब तक ये ख्याली पुलाव बनाती रहेंगी? तुम क्यों सन्नी खाला के इतने खिलाफ हो रही हो? क्योंकि वो गलत है। Are you serious? Yes. मेहर, तुम कभी अपनी फेरी टेल दुनिया से निकलकर हमारी रियल दुनिया में आओगी ना, तो पता चलेगा खुशियाँ और इंसाफ मिलते नहीं है, दोनों हाथों से छीनने पड़ते हैं। खाला अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रही है जन्नत। We don't know that, मेहर। अब प्लीज अम्मी को इसके बारे में मत बताना, तुम जानती हो खाला को लेकर अपसेट हो जाती हैं। और ये अखबार छिपा देना।
छोड़ूंगी नहीं। अमल प्लीज मेरा सांस वापस कर दो। अमल दूध कम आया और दही तो खट्टा जहर। रोके दिखा। प्लीज मेरा साथ। थैंक यू। आज कमबख्त अखबार भी नहीं आया। अगर अली भाई ने पूरे महीने का बिल दिया ना तो अपने हाथों से उनका सर मुंड दूंगी। खौर। किससे कोस रही है शगुफी? सलाम वालेकुम अब्बू, अपना ख्याल रख रहे हैं ना? अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, 2000 रुपए में मैं पूरे महीने का राशन कहाँ से लाऊंगी? अम्मी आप मुझसे ले लें। नहीं जन्नत जान, आपकी लिखाई आपकी कमाई है, हरगिज़ नहीं। अम्मी कोई बात नहीं, मैं दुकानदार से थोड़ा थोड़ा करके उधार ले लूंगी। हरगिज़ नहीं। गुड मॉर्निंग खाला। आप जानती हैं आपकी बहनों को देख के यकीन हो जाता है हम वाकई बंदरों से आए हैं। अगर एनिमल प्लैनेट को इनके बारे में खबर मिल जाए ना हम माला माल हो जाएंगे। फातिमा बाजी बिल्कुल नहीं, वापस करिए अभी फौरन। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? शगो भी आप दफा हो जाएं। सही कह रही हो तुम, दो बहनों की लड़ाई में मैं बुढ़िया अपनी टांग क्यों अड़ाऊं? फतो ओफो माफिया, मियां साहब की कुर्सी पे बैठने की जुर्रत कैसे कर दी हमने? कोई खबर उनकी? दो हफ्ते से तो बिल्कुल सन्नाटा है। वहां बर्फ जमी हुई है राबो, आप फिक्र मत करिए वो बिल्कुल महफूज होंगे, मुझे पूरा यकीन है। इंशाल्लाह। लानत है, इतने खूबसूरत लंबे बाल कटवा दिए और ये ढीले झबले ही पहनने थे तो पश्मीना क्यों नहीं? ये नाक नक्शा कद सुपर मॉडल हो सकती थी। अम्मी, अमल ने मेरे सास के तार तोड़ दिए। मैचिंग मैचिंग बेब्स, टूटे हुए सर्स के लिए टूटे हुए तार्स। जैसे अमल का टूटा हुआ दिमाग। सर चिज़े, यू आर चिज़े। अमल, इनका सास कौन जोड़ेगा? आपने इसका सास देखा है? मैं क्या करूँ अगर इसके 80 किलो उस पर गिर गए तो? तो पुश किसने किया? खाला, आप कितनी गॉर्जियस लग रही हैं। हाउ इज डैली? न्यू हेयर कलर्स, ब्राउन या हेज़ल? वाओ, पराठा। मूली का पराठा या आलू का पराठा? शट अप। चार फैशन मैगजीन्स पढ़ने से कोई अमल से अमाल नहीं बन जाता है। जॉर्ज क्लूनी तुम्हें थूकेगा भी नहीं। क्योंकि वो और अमेजिंग चीजें करेगा। ग्रॉस। आई नो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेहर जान। सलाम वालेकुम खाला, दिल्ली से कब आई? बस कल रात ही। कैसा रहा? सुना है वहाँ काफी हाई फाई सियासती पार्टीज होती हैं। नहीं ऐसा तो कुछ खास नहीं था। तो कल अकील की शादी में क्या पहन रहे हैं सब? मेरा अमेजिंग वॉलेट लहंगा देखे ना लोग अपनी आंखें नोच लेंगे। पहले अपने कान नोच लेंगे। वियोलेट, रेड, पर्पल, येलो। आपा आप मैरून भूल गई। येलो। अखबार मिल गया। जी शुक्र है। Shh.
वो अपनी बीवी को कभी तलाक नहीं देंगे। मुझे उस कागजी चीज से कोई मतलब नहीं है। सलमान मुझसे बेशुमार मोहब्बत करते हैं और मेरे लिए वो काफी है। और हमारा खानदान जो एक बेहुदा मजाक बनने वाला है, इसकी फिक्र है आपको कि लोग क्या कहेंगे? मेरे जज्बात की कोई कदर नहीं? फत तो कदर है, इसीलिए तो मैं आपको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे किसी का डर नहीं है। राबू, मैं उनसे बेहद मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो डरती हूँ। आप बेफिक्र रहिए राबू। फतो, जब ये खत्म होगा, जो कि यकीनन होगा, तो आप जलील होंगे। उनकी बेगम, उनकी शादी, उनका ओहदा वैसे के वैसे ही बरकरार रहेगा। सलमान ऐसा नहीं होने देंगे। ये आप नहीं जानती। आप मेरी बात समझने की कोशिश। ठीक है, आप मेरी सिर्फ ये बात मान लीजिए, कल अकील के निकाह में आप प्लीज शरीक मत होइए। क्यों? क्योंकि सलमान वहां अपनी बेगम के साथ जरूर आएंगे, और आप ये भूल रही हैं कि दुल्हन सलमान की बेगम की भांजी है। नाश्ता ठंडा हो रहा है। सलाम वालेकुम गुलाम अंकल। वालेकुम सलाम जन्नत। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है। आपके अब्बू जान और हमारे अजीज डॉक्टर कर्नल की क्या खबर है? अभी मौसम ठीक नहीं है, पर अब्बू भी कमजोर नहीं है। हम सब उनकी सेहत, उनके हौसले और उनकी वापसी की दुआ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो वापस आएंगे, जल्द वापस आएंगे इंशाल्लाह। जैसे हमारे ताबिश आ गए। या वी नोटिस्ड, आई लाइक योर हेयर डू। देखो नाक से कैसे झांक रहे हैं। अरे भाई तुम लोग जाओ जाओ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। इस बूढ़े पर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? गो गो एंड एंजॉय। नहीं अंकल, एक्चुअली मुझे आपसे 1947 इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बारे में बात करनी थी। वाह, आप कौन सा खुराफाती आर्टिकल लिखने वाली हैं आप? अंकल आई प्रॉमिस दिस वन्स ओनली फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगले हफ्ते मिलिएगा, हम बात करेंगे। जरूर। सो नाउ आई अंडरस्टैंड, यू वांट टू हैंग विद मी सो यू कैन हैंग विद दादा जान। यप। हां, बिच। आई हैव बीन कॉल्ड वर्स। लाइक योर फ्रेंड। डेफिनेटली अ बिच। हाय मायरा। ताबिश, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? अच्छी लग रही हो। अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो निकाह के पाक बंधन को तोड़े, जिन्हें अल्लाह ने अपनी कुदरत से बनाया है। आदम भी सोचते थे काश मेरे साथ कोई होता। अकील मियां, आपको अर्शे नूर खान का नफ्स नफस कबूल है? उधर मां, आपको कबूल है? जी कबूल है। आमीन। सलमान, अम्मी खाला क्यों कर रही हैं ये? अल्लाह अम्मी, इसीलिए कश्मीर का ये हाल है। घर संभाल नहीं पा रहे हैं, कौम क्या संभालेंगे? जी जनाब। आप क्या कहेंगे? जनाब इनका खुद का तो कोई घर परिवार है नहीं, दूसरों का घर तो तबाह करेंगे। आपको बच्चियां बुला रही हैं सर, आइए। कुछ औरतें ऐशो आराम की जिंदगी पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। एकदम सही फरमाया आपने। फत्तो, हमारे साथ भी रहिए ना थोड़े वक्त। खाला, आप ये यहाँ क्या कर रही हैं? खाला, मुझे इस दावत पे बुलाया गया है, मुझे यहाँ आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है।
ताबिश वापस आ गई यहाँ। तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। बेहूदगी की भी हद होती है, यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? मिसेस पेक, आप एकदम सही कह रही हैं। हिमाकत तो देखो, शर्म से मर जाना चाहिए। चलो। और तो और आपके शौहर के पीछे पीछे इस निकाह तक चली आई, बेहुदा औरत। ये लोग खाला के बारे में बात कर रहे थे ना? Forget it. Sorry. Not at all. माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए, वरना आपकी फैमिली के रास्ते में आने की सजा हमें भी मिल सकती है। हर चीजों पे कब्जा करने की आदत जो है आपकी। बेशक माफी मांगिए, गैरों के प्राइवेट मामलों में दखल देने की बेहुदा आदत जो है आपकी। Excuse me. Excused. Ridiculous. कौन है? खड़ूस। This is so embarrassing. क्या हुआ? सब खाला के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, और एक बदतमीज आदमी ने तो हमारी पूरी फैमिली को लेबल कर दिया। Can you believe it? That's so typical. औरत को ब्लेम करो, आदमी तो बेचारा है, औरत के जहरीले पंजों से कैसे बचेगा? Yeah, but men are stupid like that. Men will be men. और औरतों को खुद ये बात समझनी चाहिए कि उनकी अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। मेहर, ये कैसा बकवास तकियानुसी ख्याल है? खाला इज इन लव। खाक लव। वो आदमी ना उन्हें पब्लिकली एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा है। ये कैसा वाहियात प्यार है? दैट इज द पॉइंट। कैसा वाहियात आदमी अपने प्यार को ऐसे सबके सामने जलील करेगा? मेरा मन कर रहा है उसको सबके सामने नंगा करके कोड़े मारो। एज यूजुअल ना जन्नत, You're just arguing for the sake of it. तुम्हारी real world में भी ना एक society है, जिसमें खाला की जो बची कुची इज्जत है, उसकी मिट्टी पलीत हो रही है। मेहर, you are the society. तुम भी खाला को blame कर रही हो। तुम में और उस आदमी में क्या फर्क है? Have you ever been in love? Have you? हाँ। And I don't think it's stupid to love something that seems impossible. So please उन्हें जज करना बंद करो। जन्नत, मैं उन्हें जज नहीं कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ। जो कि इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो मत करो। नहीं कर रही, जा रही हूँ। मिर्ज़ा, यू नो ना, लविंग कश्मीर इज नॉट द सेम एज लविंग अ डूड, एट लीस्ट अ मैरिड डूड। अजी, लव इज लव, और डरपोक प्यार नहीं करते। इंटरेस्टिंग। तो एक काम करते हैं ना, तुम और मैं ना शादी कर लेते हैं, उसके बाद आई विल हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हमें खाला की सिचुएशन का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, और तुझे एक नए आर्टिकल का आइडिया। तुम्हें पता है, आज ही अफेयर के लिए बहुत काम करना पड़ता है। तुम वोडका पीकर काम चलाओ, ठीक है? ठीक है। इडियट। ओए! वैसे कमाल है साहब, आते ही हेडलाइंस बन गई हैं आप। आप तो बहुत खुश होंगे, ऑपोजिशन जो ठहरे वो अपने ही मैल में मिटे जा रहे हैं। मैल कहाँ? आपने अगर उनमें कुछ देखा है तो यकीनन कुछ ना कुछ तो काबिल तारीफ होगा ही ना। Always the gentleman, गुलाम साहब। अपना ख्याल रखिएगा। क्या हुआ? क्या कह रहे थे गुलाम साहब? हमदर्दी जता रहे थे। He's such a gentleman. जब हमारी फैक्ट्री जल के खाक हो गई थी, बस एक यही थे जो हमारे साथ खड़े रहे, और खुदा ने चाहा तो जन्नत और ताबिश इस दोस्ती को रिश्तेदारी में भी बदल देंगे। I'm not sure, फातिमा, जन्नत की हरकतों का कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा एक बात बताओ, तुम ताबिश को अजी और तुम जन्नत को मिर्जा क्यों बुलाते हो? क्यों? सरनेम आजाद है तो आजी, और इसका नाम तो जन्नूम होना चाहिए था, क्योंकि ना तो ये जन्नत है ना जान, इसलिए मिर्जा। ठीक है, जस्ट वन सेकंड, आई विल बी बैक। सारी प्लास्टिक सर्जरी है, आई मीन कोई भी रियल नहीं है। अच्छा, हां टेल मी ट्रू। मम्मी बुला रही हैं, चलें। व्हाई शी बुलाविंग? इफ आई सेड शी इज बुलाविंग, शी इज बुलाविंग। बाय बॉयज। बाय अमल। इसका नाम अमल है। कुछ घंटों के लिए सेंटरपीस ना बन के लड़कों से दूर रहोगी तो मर नहीं जाओगी। खाला की वजह से ऑलरेडी इतनी टेंशन है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? प्लीज, तुम अपने आप से बोर नहीं हो जाती?
मैं तुम्हारी तरह ना अकेले मरने की प्लानिंग नहीं कर रही। तुम पहले हम सबको एम्बैरेसमेंट से मार दोगी, फिर किसी अमेजिंग एसटीडी से मर जाओगी। फोन कॉल से कौन मरता है? एसटीडी बीमारी होती है यू इडियट। फोन कॉल? नो एसटीडी स्ट्रेट टू डेथ। योर डेथ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे खड़ी रहो। हाय बॉयज। अगर हमारा बैंड यहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता ना, तो हम इस तरह बोर नहीं होते। जब लड़कियों को निकाह में परफॉर्म करना अलाउड होगा ना, तब देखेंगे। न जाने हम जिंदा भी रहेंगे वो दिन देखने के लिए। एक्चुअली फातिमा, बस कीजिए। बानो बेटा, आप अपने वक्त से बहुत आगे। Bloody whore! माफ कीजिएगा, लेकिन इस वक्त बेहतर यही होगा कि आप सब यहां से। आइए, हम आप लोगों को छोड़ देंगे। फातिमा, फतू, फतू उठो। फिर प्यार ने वही किया, एक दिल तोड़ा, रुलाया और बेइज्जत किया। आज जब जन्नत ने पूछा तो मैं कुछ नहीं कह पाई, पर प्यार करने के इस अंजाम से मैं गुजर चुकी हूं। कैसी जबान है? And I can't believe हमारी सोसाइटी इतनी शोविनिस्टिक और हिपोक्रिटिकल हो सकती है। जो इंटरव्यू से पहले किताबों में घुसा रहे वो कैंडिडेट नहीं, स्टूडेंट होता है। तुम जैसे मर्दों की वजह से पूरे कश्मीर का नाम तबाह हो रहा है। अरे अगर उसमें जरा सी भी शराफत होती ना, तो मेरी बहन यहाँ अकेले भेड़ियों के बीच में लड़ नहीं रही होती। पूरी दुनिया कश्मीर को इग्नोर कर रही है, जैसे कश्मीरी मर्द कश्मीरी औरतों की ख्वाहिशों को। आप पेशे से जरूर डॉक्टर हैं, पर फितरत से जज हैं।